जाओ ना, जो इतना करना होगा पावर दिखाना होगा दिखा देना, हम देख लेंगे तुम्हारा कितना पावर है। यह रौब है नशे में धुत एक वर्दीधारी का जो सरेआम गाली गलौज कर रहा है। प्रदेश में पिछले कई सालों से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन पुलिसकर्मी ही शराबबंदी कानून की धजियां उड़ाने लगे हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार रोहतास जिला के विक्रमगंज थाने में पदस्थापित राजकरण राम शराब के नशे में चूर होकर एक शव का पोस्टमार्टम कराने सासाराम सदर अस्पताल पहुंचे। नशे में चूर राजकरण राम ने जमकर बवाल मचाया। उनके ड्रामे को देखकर सभी लोग सकते में आ गए। जब उनसे शराब पीने के बारे में पूछा गया तो पत्रकारों और कैमरा पर्सन से ही गाली गलौज करने लगे। इतना ही नहीं, पूरी ताकत से मारने के लिए दौड़े और खुद जमीन पर गश खाकर गिर गए। ये नशे के दौरान अपने आप को सरकारी आदमी बताता है और धमकी भी देता है कि हमसे पंगा मत लो, फोटो खींचना है तो और घींचो, लोग जो शराब पी रहे हैं उनका घींचो। विक्रमगंज थाना में पदस्थापित हवलदार राजकरण राम एक शव का पोस्टमार्टम कराने सासाराम के सदर अस्पताल आया और जमकर हंगामा किया। बाद में स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे संभाला, लेकिन जब तक वह अस्पताल परिसर में रहा शराब के नशे में वर्दी का रौब दिखाता रहा। तस्वीर ले रहे कैमरा पर्सन और पत्रकारों को जमकर गालियां दी, जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि रोहतास में शराबबंदी की क्या स्थिति है। बता दें कि कल ही विक्रमगंज पुलिस ने 55 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया था। संभवतः उन्हीं शराब में से यह पुलिसकर्मी कुछ बोतल गटक लिए और सुबह सुबह ड्यूटी बजाने वर्दी पहनकर सासाराम पहुंच गए। इतना ही नहीं, शराब के नशे में यह बयान भी दे रहे हैं। आप भी सुनिए और देखिए इनका बयान और इनकी करतूत। जिंदा नहीं रहूँगा, जिंदा धरती पर, बता देते हैं तुमको। देखा ही, एक रा फोटो ले लें, क्या बोले थाना? क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राजकरण राम नाम है। क्या लेके आए हैं यहाँ पे? लाश लेके आए हैं। कहे लिए? पोस्टमार्टम कराने के लिए। पोस्टमार्टम कराने के लिए लाए हैं विक्रमगंज थाना से। क्या चीज़ का है पोस्टमार्टम? क्या हुआ था मतलब? अब क्या हुआ था नहीं हुआ था हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको ड्यूटी मिला, हमको पोस्टमार्टम कराने के लिए, हम पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजकरण राम।